जिला अस्पताल में कार्यरत 14 नर्सों का 7 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर नर्सों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मुलाकात किया और वेतन भुगतान की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से दूरभाष पर वार्ता करके 2 दिनों में वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला अस्पताल की नर्स साक्षी ने बताया। लड़कियों की ज्वाइनिंग हुई थी, उनकी भी सैलरी मिल गई है, लेकिन हमारी सैलरी नहीं मिली है। बस आप लोग रेगुलर है ना? हाँ, रेगुलर है। हाँ, क्यों नहीं मिला? सर पहले उनको रीजन ये दिया था कि उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, बट वेरिफिकेशन आप लोग ज्वाइनिंग कब कुछ दिनों से सर ये बात कह रहे हैं, हम लोग डेली जाते हैं, बाबू से पूछते हैं, वो मतलब रीजन दे के हम लोग को हम लोगों ने बात की, उनको भी इन्फॉर्म किया, उन्होंने बोला था वेरिफिकेशन के पहले कि आपका वेरिफिकेशन हो जाए तो हम सैलरी निकलवा देंगे, लेकिन सर वेरिफिकेशन हुए नियर अबाउट 15 डेज हो गए। सीएमएस अस्पताल से बात कर रहे हैं। मैं जी सर मिल जाएगा बजट क्या हो सकता है नया ना तुम लोग मजा आ गए वो कितने लोग का नहीं मिला करो दो लोग का वेरिफिकेशन हो गया। हां सर सर 14 ही ज्वाइन किए टोटल कितने लोग हुआ था 14 का 14 लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। हां सर शादी कर लो ना कौन रुक रहा है ये तो मिल जाएगा सर। नगर हम लोग को भी संघर्ष शुरुआत में पसंद है कि ये भी तो हम डिजाइन किया है इनको भी शुरुआत में 2-3 महीने लगेगा। साक्षी सर से हम लोग ने अपनी सैलरी के बारे में बात किया है जो कि पिछले 7 महीने पूरे हो गए और हम लोग को सैलरी नहीं मिली है, जिस वजह से सभी 14 लोग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं और सर ने हमें आश्वस्त कराया है कि 2 दिनों के अंदर हमारी सैलरी जारी कर दी जाएगी और अगर फिर कोई समस्या होती है तो हम लोग फिर आएंगे यहाँ पे।